जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योति जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 13 अक्टूबर 2013 दशहरे का बहुत ज़्यादा पावन अवसर। आज के दिन की महत्वता आप सभी जानते हैं और इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सच की विजय होना झूठ के ऊपर। आज के दिन प्रभु राम ने रावण का वध करके अपने परिवार को फिर से पूर्ण किया था। प्रिय दर्शकों, आज के दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ और बधाई देता हुआ कि जैसे रामचंद्र जी ने बुराई का वध करके अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, वैसे ही आपके जीवन में भी बुराई का अंत हो और आप सच और विजय, सच के ऊपर विजय प्राप्त करके अपना जीवन यापन आसान कर पाएं। प्रिय दर्शकों, आज हमारी श्रृंखला चल रही है, आप सभी जानते हैं कि लग्नेश को लेकर के और सप्तम भाव के स्वामी को लेकर के। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने तुला लगन की बात की थी, आज बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की। स्कॉर्पियो लगन वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन ये इसलिए बना क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह स्वयं हमारे बजरंग बली यानी मंगल देवता माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल देव ने दानव गुरु शुक्राचार्य को क्या दिया? मंगल देव ने दानव गुरु शुक्राचार्य को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख, और मंगल देव ने शुक्राचार्य को सप्तमेश के साथ साथ 12वें भाव का भी स्वामी बनाया। विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, जेल यात्रा, अस्पताल का खर्चा, फजूल का व्यय होना, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम, ये सारी चीज़ों का डिपार्टमेंट मंगल देवता ने शुक्राचार्य को दिया। यानी शुक्राचार्य इस लग्न कुंडली में सप्तमेश बने और द्वादशेश बने। सप्तमेश और द्वादशेश होने की वजह से इस लग्न कुंडली में शुक्राचार्य एक अति मारक ग्रह बने। जब भी शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा चलेगी, सदैव जातक को प्रॉब्लम्स ही देती मिलेगी। अब प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कि अगर इन दोनों ग्रहों की युति, मंगल देवता और शुक्राचार्य की युति लग्न में ही बनी पड़ी हो। लग्न में मंगल देवता ओन साइन के आने से रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और शुक्राचार्य उस पंच महापुरुष योग को सदैव खराब करते मिलते हैं। यहाँ शुक्राचार्य प्लीजिंग पर्सनैलिटी तो थोड़ी सी देते हैं, लेकिन जल्दी जातक का काम कभी नहीं बनने देते। वहीं मंगल देवता जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आते हैं, जातक को चौतरफा लाभ अवश्य देते हैं। जातक बहुत ज़्यादा काम करने वाला होता है, हार्डवर्क से वो जी नहीं चुराता। जातक एक रोबदार पर्सनैलिटी वाला होता है। कहने का तात्पर्य कि मंगल देवता के सारे पॉजिटिव गुण रुचक नाम का पंच महापुरुष योग अवश्य बना लेता है। तो यहाँ अगर आप शुक्राचार्य के दान करेंगे तो आपको रुचक नाम के पंच महापुरुष योग का बहुत अच्छा फल मिल सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको उतने प्रतिशत ही फल देंगे जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, हमारा ये प्रोग्राम YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया से लोग इसे सराहते हैं। लेकिन कई लोग जब फ़ोन कॉल करते हैं तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि सर मुझे मंगल देवता ने कुछ नहीं दिया। तो जब हम उसके प्रोसीजर में जाते हैं तो वो कुंडली एनालाइज करते हैं तो देखते हैं मंगल 1-2 डिग्री का पड़ा है, 29 डिग्री का पड़ा है। तो कृपया, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बार बार स्मरण कराता जाऊँ, ग्रह उतने ही प्रतिशत फल देता है जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल हो। बहुत अच्छा ग्रह अच्छे भाव में पड़े हुए भी फल नहीं देता क्योंकि उसमें डिग्री वाइज क्षमता ही नहीं होती। ऐसा बहुत सारे केसेस में हमने लाइव देखा है। तो दर्शकों, अगर यही शुक्र और मंगल देवता कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, मंगल देवता जहाँ पूर्ण दूसरे भाव संबंधी एडवांटेज के रिजल्ट देते मिलेंगे, धन का आगमन करवाएंगे, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा। हाँ, वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ, मंगल को कभी भी पापी ग्रह समझने की भूल मत कीजिएगा। मंगल देवताओं का सेनापति है। हाँ, उसमें क्रूरता अवश्य है, उसमें सेपरेटिव टेंडेंसी अवश्य है,
क्योंकि बहुत सारे पोंगा पंडित ये मंगल देवता को भी मारक मान लेते हैं सिर्फ उसकी सेपरेटिव टेंडेंसी होने की वजह से। तो कृपया मंगल देवता या नोट करें कि वो पॉजिटिव फल ही देता मिलेगा, और शुक्राचार्य जब भी दूसरे भाव में हों, दशा अंतर दशा में आएंगे, तो जातक परिवार से भी दूर जाने का योग बना लेता है, धन का होता होता आगमन भी रुक जाता है, और जातक ऐसी वाणी बोल देता है जो सामने वाला सुनना कभी किसी कीमत पर पसंद नहीं करता। दर्शकों, कहने का तात्पर्य कि दूसरे भाव में मंगल जहाँ पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलते हैं, वहीं शुक्राचार्य पूर्णता अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही आपको देते मिलते हैं। दर्शकों, यही मंगल शुक्र अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में विराजमान होने से जातक फौरन की सेटलमेंट ज़रूर कर लेता है। जातक का दाम्पत्य सुख अच्छा होता है, डेली वेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माता से दिक्कत परेशानियों का योग अवश्य बना लेता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो उसमें सदैव प्रॉब्लम्स देता ही मिलता है, क्योंकि शुक्र एक मारक ग्रह है। प्रिय दर्शकों, यहाँ से शुक्राचार्य ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में भी सदैव दिक्कत परेशानियां देने में शुक्राचार्य बाध्य होते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत, जब भी मंगल देवता की दशा अंतरदशा चलती है तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में यही मंगल देव सदैव आपको एडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलते हैं। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज को वृद्धि में लाने में, कामकाज इम्प्रूवमेंट में लाने में, कामकाज अच्छा करने में, कामकाज में प्रमोशन लाने में, जातक को कर्मशील करने में, ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को मंगल देवता अवश्य ही देते मिलते हैं। जहाँ मंगल देव चौथे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, वहीं शुक्राचार्य सारे के सारे नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। हालांकि ये शुक्र देवता का मित्र का घर है, लेकिन मारक होने की वजह से दिक्कत परेशानियाँ सुख सुविधाओं में अवश्य देते हैं। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में शुक्र देवता और मंगल देवता जब भी बैठे होंगे, यहाँ शुक्र देवता अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं और मंगल देव त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए। यहाँ पर मंगल देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आकर अपनी दशा अंतर दशा में पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, अनसर्टेन गेंस देंगे, लवर मास में कामयाबी देंगे और जातक की माइंड मेमोरी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी वो सदैव जातक के लिए कष्टकारी होगी। स्टमक में प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस, लवर मास में नाकामयाबी, जातक का माइंड वेवरिंग माइंड हो जाता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि ग्यारहवें भाव पर डाली, शुक्रदेव की डाली हुई दृष्टि सदैव डिस्टर्बिंग वे में होगी, लेकिन मंगल देवता की डाली हुई दृष्टि ग्यारहवें भाव पर सदैव बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाकर लाभान्वित करती ही मिलेगी। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में शुक्र अपनी स्वराशि के हो गए और मंगल देवता लगन लॉर्ड होकर दूसरे राशि के सप्तम भाव में आए हैं। मंगल देवता जहां आपको पूर्ण चौतरफा लाभ देते मिलेंगे, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, वहीं शुक्राचार्य भी सप्तम भाव के संबंधी, क्योंकि स्वराशि के हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन यहां से जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो लगन संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक की मुश्किलें कहीं ना कहीं खड़े करते ही मिलेंगे। और ये बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता इस लगन कुंडली में एक अति मारक ग्रह है। ग्रह जब सिर्फ अपने भाव को देखता है, अपने भाव में बैठता है, अपने भाव पर दृष्टि डालता है, तब उसको थोड़ा बहुत बचाने की काबिलियत उसमें होती है, अन्यथा मारक ग्रह सदैव मार्केटों के रिजल्ट देता है जो कि टोटली अशुभता की कैटेगरी में माने जाते हैं और वो जातक का जीवन यापन डिस्टर्ब अवश्य कर देते हैं। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यहाँ प्रिय दर्शकों दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था के और मारक ग्रह बन जाएंगे। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा कि मंगल देव भी लगन लॉर्ड होकर के अपनी नीच राशि में आ गए। शुक्राचार्य जो पहले ही सप्तमेश और द्वादशेश हैं वो भी यहाँ आए हैं, तो दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, जातक का धर्म को जल्दी न मानना, विदेश यात्रा करना तो वो लाभान्वित ना होना,
जातक का पिता से मनमुटाव होना, पिता की हेल्थ को जल्दी प्रॉब्लम्स लगे ही रहना, ऐसी स्थितियां मंगल की दशांतरा में भी होंगी, ऐसी स्थितियां शुक्राचार्य की दशांतरा में भी जातक को अवश्य ये दोनों ग्रह देते ही मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में होने से मंगल देवता को दिशा बल मिलता है, और दशम भाव में आए हुए मंगल देवता कामकाज में वृद्धि देना, कामकाज में प्रमोशन देना, कामकाज बाहुबल से जुड़ा हुआ होना, कामकाज में प्रमोशन इंक्रीमेंट दे करके जातक का डेजिग्नेशन बढ़ाने में मंगल देव योग कारक होने की वजह से सदैव मददगार सिद्ध होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत, जब शुक्र देवता दशम भाव में पड़े होंगे, उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, तो सदैव वो जातक के लिए कष्ट देती मिले, उसका दिया हुआ कष्ट जातक को सदैव भोगना पड़ेगा। यहाँ पर दशम भाव में बैठे हुए शुक्र देवता कामकाज का बंटाधार करने में अकेले ही काफ़ी है, कामकाज चलता चलता रुकने की कगार पे आ जाता है, कामकाज में ब्रेक लगने का योग बनता है, ऑब्स्टेकल्स आने का योग बनता है, डिमोशन होने का योग बनता है, विदेश से कोई डील करो उसमें नाकामयाबी होने का योग बनता है। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है, क्योंकि शुक्र एक मारक ग्रह है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत, मंगल देवता दशम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और यहाँ से जितनी दृष्टि सातवीं चौथे भाव पर डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में ये मंगल देवता जातक को एडवांटेज देते ही मिलेंगे, जातक की मदद करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के ग्यारहवें भाव में पड़े हों, ये प्रिय दर्शकों शुक्राचार्य की नीच राशि है। एक तो मारक ग्रह, ऊपर से नीच का हो जाए, मंगल देवता यहाँ योग कारक ग्रह है, जब भी दशांतरा में आएंगे बड़े भाई बहन से सपोर्ट देंगे, धन का आगमन करवाएंगे, फजूल के कोई भी व्यय होंगे उन्हें बंद कराकर उसकी सही यूटिलाइजेशन धन के आगमन की होती ही रहेगी, और जातक की कोई भी इच्छा पूर्ति करने वाली हुई मंगल की दशांतरा में वो सदैव होती रहेगी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य मारक ग्रह और नीच का होने की वजह से जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आएंगे, सदैव जातक के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट देंगे। यहाँ तक के ऐसे जातक को कहा जाता है कि कृपया अपनी मैरिज टाइम में कुंडली मिला लेना, क्योंकि आपका मैरिज हाउस लॉर्ड नीच का होकर के पूर्णतः डिस्टर्ब है। तो ऐसी स्थिति में शुक्राचार्य नीच होने की वजह से धन का आता हुआ आगमन रोक देंगे, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचने का योग बनता है। यहाँ पर ग्यारहवें भाव पर शुक्राचार्य पड़े हुए बड़े भाई बहन के क्लेश के साथ साथ जातक अगर कोई छोटी मोटी इच्छा भी कर ले, तो वो भी पूरी ना करके उसमें नित्य नवे ऑब्स्टेकल्स देते ही मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हाँ जी, शुक्राचार्य की नीच की दशा चल रही है तो उसका नग पहन के उसको ठीक कर लिया जाए। यहाँ शुक्राचार्य का नग कभी नहीं पहना जाता, उसका पाठ, पूजन, सिमरण, व्रत, आरती, हवन, यज्ञ किया जाता है, ताकि शुक्र शांत होकर अपने जीवन यापन को आसान करने में आपके मददगार सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, आज फिर से दुशहरे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हुआ शनिदेव से ये मंगल कामना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं रजेश जोशी आप सभी दर्शकों को अपनी तरफ से, अपने सारे ग्रुप जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि आपको इस मंच के माध्यम से इस विद्या की सही जानकारी ऐसे ही देता चला जाऊँ, और आप इसे सीख कर लाभान्वित हो पाएँ और वहमों भरमों से निकल पाएँ। जय शनिदेव।